हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, कामों में मस्त और व्यस्त होंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जितना एक साइड का देख रहे हैं सब अडेनियम का प्लांट है। बहुत सारे तो अभी बेबी प्लांट लगाए हैं जिसको भी अलग से रिपोर्ट भी कर दिए हैं। ये देख सकते हैं कुछ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो और इसको बड़ा बड़ा पॉट में देगा। ऐसे बहुत अभी बड़ा प्लांट नहीं है, 4 इंच का 3 इंच का पॉट होगा, जो नर्सरी पॉट होता है बस उसी में एक दो पॉट खाली था तो उसमें भी लगा दीजिए। जैसे ये देख सकते हैं, ये तो खरीदा हुआ प्लांट है। बाकी देखिए जितना भी प्लांट आप देखिएगा सबका कोडिक्स एकदम इतना अच्छा सा हो गया है और बहुत ज़्यादा दिन लगाए हुए भी नहीं हुआ फिर उसके से 8-10 दिन हुआ है, 10 से 3 दिन हुआ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए ये कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, देखिए। और इसको इसी तरह से बारिश में छोड़ देते हैं, हटाना मेरे से नहीं होता क्योंकि बहुत सारा प्लांट है तो इसको हम हटा वगैरह कुछ भी नहीं कर पाते, तो बस इसी तरह से छोड़ देते हैं। ये भी जो सीड जो देख रहे हैं फिर ये किसी प्लांट में लगा हुआ शायद पिंक कलर का ही होगा क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर जितना ज़्यादा देख रहे हैं ना अधिकतर पिंक है। पिंक में भी बहुत सारा वेराइटी होता है, कुछ डीप पिंक है, कुछ इस तरह से रेड जैसा कलर है, ये तो पर्पल है, ये तो अलग ही कलर है, डबल वाला है। ठीक है, इसका पत्ता वो छोटू छोटू सा हो रहा है, इसको और थोड़ा बड़ा पॉट में कर देंगे। इसका कॉडेक्स भी देख सकते हैं, बहुत छोटा सा प्लांट था, इसका कॉडेक्स देखिए कितना बड़ा। इसका भी यहाँ से कटिंग करके के क्योंकि यहाँ से जो है ना ख़राब हो रहा था तो उसको काट करके हटा दिए थे तो इसको भी लगा दिए हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसका कॉडेक्स है और इसकी सोयल देख सकते हैं ऐसे एकदम भुरभुरी मिट्टी में। मैं अडेनियम को लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि हमसे हटता नहीं है तो बारिश में ही छूटा हुआ रह जाता है। ये भी देख सकते हैं, ये जो प्लांट है फ्रेंड ये पूरी तरह से मेरा प्लांट जो है ना ख़राब हो गया था, नीचे से जितना कॉडेक्स है तो ख़राब हो गया था। और ये थोड़ा सा महंगा हमको मिला था क्योंकि बहुत सा पुराना प्लांट है तो ये महंगा भी थोड़ा मिला था, तो इसको सोचे कि क्या करना पड़ेगा तो इसको नीचे से काट दिए थे, काट करके और बारिश में ही ये छूटा हुआ रह गया था। ये कम से कम 10 से 15 दिन कटने के बाद भी बिना फंगीसाइड का बिना कुछ किए हुए बारिश में इसी तरह से छूटा हुआ रह गया था क्योंकि उसके बाद डॉक्टर हमको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मना कर दिया गया था तो हम ऊपर नहीं आ पाते थे। फिर अपने बच्चे को बोल करके इसको नीचे निकल ले लिए और ये कम से कम 1.5 महीना का लगभग ये मेरे किचन में रह गया था। नीचे धूप तो नहीं लगती थी, इसी तरह से लगे तो नीचे ही इसका रूट्स निकलना शुरू हो गया था। और ये जो ब्रांच देख रहे हो उसमें कुछ भी नहीं था, एक दो पत्ता होगा तो वह सारा पत्ता इसका नीचे गिर गया था, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था। और आप देख सकते कितना सारा इसमें कितना दिन से फ्लावर आ रहा है, देखिए इधर भी बड्स बना हुआ, इधर भी बड्स बना हुआ, अभी तो ऊपर में उतना बड्स नहीं दिख रहा है, देखिए इधर भी बड्स बना हुआ को दिखा पा रहे होंगे, देख सकते हैं। ये तो इसमें का है और ये प्लांट देख सकते कितना खूबसूरत सा है, थोड़ा अच्छा दिखता है, कुछ नया दिखता है तो ज़रूर अपने गार्डन में लेकर के आते। तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, 100 का ही था। तो देखिए इस तरह से है और बहुत सारा है, ये सब जितना भी देख रहे हैं सब फ्रेंड सब कटिंग से लगा हुआ, पीछे में देख सकते हैं थोड़ा अच्छा सा कलर है। तो इसको बस अभी इसीलिए हम आए हैं कि देखिए इसका कोडेक्स सब का, ऐसे भी वाटरिंग जब से मैं पानी डालते हैं सारे प्लांट को तो चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे डर लगता है, मेरा अडेनियम मेरा फेवरेट में से आता है। तो अभी सबको जो है ना हल्की सी गुड़ाई कर देंगे, इस तरह से हल्की गुड़ाई कर देंगे, फिर इस तरह से गुड़ाई कर देंगे, देख सकते हैं इस तरह से ऐसा गुड़ाई करेंगे कि इसकी रूट्स वगैरह ना टूटे, इस तरह से सबको गुड़ाई कर देंगे। अब गुड़ाई करने लगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो अब आपको गुड़ाई नहीं ज़्यादा करके दिखाते, बस इतना दिखा देते। और सबसे बड़ी बात फिर कि जब ये अडेनियम का प्लांट लगाइएगा तो अगर आप हटाने लगे हैं तो ठीक है, बहुत अगर कम है तो एक दो है तो हटा सकते हैं, अगर ज़्यादा रहेगा तो हटाने में दिक्कत होता है फिर। तो रिवर सेंड की मात्रा जो है ना ज़्यादा कर दीजिए, और रिवर सेंड में कौन सा जो मोटा वाला पार्ट होता है नीचे में एक लेयर जो होता है जो छानने के बाद यानी घर प्लास्टर होने के पहले जो छाना जाता है बालू को यानी रेत को, हमारे बिहार में इसको बालू बोलते हैं, इसलिए हम जब भी बोलते हैं वीडियो में तो बालू बोलते हैं। कोई कुछ पूछता है कि बालू क्या होता है तो वही रेत होता है जिसको मकान बनाने में काम आता है। तो उसका जो मोटा वाला पार्ट होता है एक लेयर पतला एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, एक लेयर मिट्टी का जो पॉट होता है मिट्टी वाला पॉट में हम कोशिश करते हैं मिट्टी का पॉट में लगाने का, तो नीचे में बिछा दीजिए एक लेयर बिछाने के बाद उसके ऊपर से मिट्टी और बालू मिला के लगाइए, बर्मी कंपोस्ट डालिए, सीवीड डालिए, प्योर ऑर्गेनिक कुछ भी उसमें आपको नहीं मिलाना, ऑर्गेनिक मिला करके इसी तरह से छोड़ दीजिए। मेरा कभी भी अडेनियम का प्लांट खराब हाँ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कई बार जो होता है जब हम तबियत में खराब होता है तो हम छत पर नहीं आ पाते हैं। तो देख सकते हैं ये भी अडेनियम का प्लांट मेरा खराब, जो सबसे पुराना प्लांट होगा ये 10-12 साल पहले का पूरा प्लांट है, जब मेरे यहाँ नहीं मिलता था बहुत दिन पहले एक बार जब देखे थे तो 350 में लेके आए थे। तो देख सकते इसका भी कोडेक्स नीचे से कट के ख़त्म कर दिए, लेकिन ये भी प्लांट मेरा भी बचा हुआ और इसी प्लांट से बहुत सारा प्लांट भी बना लिए फ्रेंड, देख सकते इस तरह से
सब कटिंग से, कटिंग से लगाइएगा तो उसका कॉर्डेक्स जो है ना नहीं मोटा हुआ। ये सब देखिए सीड से लगा हुआ प्लांट है, ये भी देखिए कटिंग से लगा हुआ, ये सीड से लगा हुआ, ये सब सीड से लगा हुआ प्लांट है। अभी जितना भी लगाएं सब सीड से लगा हुआ प्लांट है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है कटिंग से और सीड से लगाना। हाँ, इसके ऊपर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग आप कितना भी प्लांट का कोई भी कलर का कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से चल जाता है। हम एक प्लांट में किए हैं, दोबारा फिर हम नहीं उतना कर पा रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें क्या होता है, मिट्टी। तो आपको मिट्टी इस तरह से बनाना कि पानी एकदम ना रुके। वाटरिंग डेली हम इसमें करते हैं, लेकिन देख सकते हो ऊपर का सतह सूख जाता है, देख सकते इस तरह से, लेकिन नीचे हल्का गीला रहता। तो एक दिन बीज करके, दो दिन बीज करके भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अभी तेज़ गर्मी है और ये गर्मी में ये सूख रखा हुआ है। तो इस तरह से ये रखा हुआ प्लांट है, तो देख सकते इसकी मिट्टी सूख जाती है, लेकिन देखिए नीचे का मिट्टी में थोड़ी सी नमी बनी रहती है। तो देखिए एक दिन दो नहीं भी बस में वाटरिंग होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता फिर, इसलिए मैं रिवर सेंट का मात्रा ज़्यादा मिला देती हूँ। 50% रिवर सेंट लेती हूँ, 50% गार्डन सॉल्ट। कोकोपीट यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड, बहुत कोई करते होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि कोई प्लांट ख़राब तो नहीं होता, लेकिन मुझे छत पर बारिश में ही रखना होता है तो कोकोपीट का यूज़ नहीं करते हैं। तो बस रिवर सेंट और मिट्टी, और बस समय समय पर कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं डालते। अभी इसलिए इसको गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई करने के बाद इसको छोड़ देंगे, कोई वाटरिंग वगैरह नहीं करेंगे। कल जो है थोड़ा सा फंगीसाइड स्प्रे कर इसमें डाल देंगे, अभी ही गुड़ाई करने के बाद। फंगीसाइड जो होता है साफ फंगीसाइड, उसी को हम यूज़ करते हैं। आप इसमें हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो उसका यूज कर ले। बस खाली थोड़ा सा ऊपर से छीट देना ताकि इसका मिट्टी में अगर कोई जड़ वगैरह थोड़ा उत्कट भी गया होगा तो कोई दिक्कत ना हो। तो बस इसी तरह से गुड़ाई करके इसको छोड़ देंगे और कल जो है सीवीड मिला करके इसमें डाल देंगे। ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना नहीं ये मिट गया है, इस तरह से कुछ यहीं पर लिखा हुआ था लेकिन मिट गया फ्रेंड, क्योंकि इस तरह से इसको छोड़ देते हैं। तो इसको जो है मिला करके 1 लीटर पानी में कम से कम 10 से 20 ml को मिला करके सारे को वाटरिंग कर देना। बहुत ज़्यादा नहीं करना, इतना नहीं कि ज़्यादा एकदम गमला से नीचे गिर जाए। तो बस इसको भी गुड़ाई करके इसको छोड़ देंगे, शाम का समय हो रहा, कल फिर इसी समय शाम में अभी फंगीसाइड डाल देंगे, कल फिर इसी समय शाम के समय में इसको मिला देंगे और थोड़ा सा गोबर की खाद दोनों को पानी में मिला करके इक्वल पानी में मिला देंगे और इसमें डाल देंगे। फिर इसको एक दिन के बाद इसमें वाटरिंग करेंगे। अभी अगर इसे गुड़ाई करके खाली फंगीसाइड पाउडर डाल करके छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना है, फिर दूसरे दिन या तो सुबह में कर लीजिए या तो शाम का कर लीजिए। और स्प्रे भी नीम और का करते रहिए। कभी कभी देखिए इस तरह से जो छोटा छोटा पत्ता होता है ना उसमें भी फंगस लगने का डर होता है एरेनियम में, देखिए इस तरह से इतना अच्छा पत्ता हो गया है। तो क्योंकि हम नीम ऑयल का जो है ना स्प्रे हमेशा करते रहते हैं, सभी प्लांट पर करते हैं, स्पेशली इस पर नहीं करने आते, लेकिन सभी प्लांट पर करते हैं तो इस पर भी कर देते हैं। तो देख सकते कितना ज़्यादा अच्छे से फ्लावर हो रहा, जितना भी मेरा एरेनियम है सभी में बहुत अच्छे से फ्लावर हो रहा। और दिखाते हैं छोटा सा जो प्लांट है कितना मोटा बड़ा बड़ा कॉर्डेक्स हो गया है। और जितना भी प्लांट ले करके आते हैं फ्रेंड, अभी तक तो सब बच गया है, आगे का नहीं जानते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड, ये इसका कॉर्डेक्स देख सकते कितना बड़ा सा है, इसको कुछ और बोला जाता। और ये जो है ना नर्सरी से एक बीज लेकर के आते हैं उसका प्लांट, लेकिन इसे फ्लावर भी नहीं हो रहा, तो किस तरह का है नहीं बता सकते हैं फ्रेंड। वो भी वहाँ से उठाने नहीं दे रहा था बीज, लेकिन फिर भी हम उठा लिए थे। देखिए इसका कॉर्डेक्स अगर हम आपको दिखा पा रहे होंगे, नहीं दिखा पा रहे फ्रेंड, देख सकते कितना मोटा सा हो गया है। ये देखिए ये मुश्किल से 10 दिन प्लांट पुराना प्लांट है, बहुत ज़्यादा दिन पुराना प्लांट नहीं है। तो देख सकते इसमें भींगा हुआ भी है। तो बस इसी तरह से हम करके लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, बस रिवर सेंट और गार्डन सॉल मिला करके बर्मी कंपोस्ट महीना दिन में 2 महीना पर मिला कर इसमें डाल देते हैं। हाँ, सीवीड का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए बहुत सारा सीड भी बनते जरा, ये देख सकते हैं यहाँ पर फिर। ऐसे तो पहले हम नहीं रखते थे, लेकिन अब इसमें कुछ में फ्लावर उतना नहीं आएगा तो रहने देते। देखिए इस तरह से सीड बन गया है, ये देखिए। अगर इस बार ठीक रहें तो ज़रूर इसको रख लेंगे। एक और भी देखे थे कल परसों ही हम कहीं पर देखे थे कि सीड पॉट बनना शुरू हो गया है, चलिए वो नहीं दिखा पाएंगे, जब दिखाएंगे ज़रूर कभी और वीडियो में। हाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ भी बन गया, इसका भी रख लेंगे क्योंकि ये वाला मेरे पास में ना एक ही है। हाँ ये नहीं, ये इसका भी एक है और मेरे पास में कटिंग लगा हुआ, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसका भी सीड जो बन रहा है तो इसको भी रख लेंगे, नहीं तो हम सीड हटा करके फेंक देते हैं, क्योंकि हमें प्लांट बस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना रहता, जितना हम नहीं कर पाते, जितना कर पाते बस उतना ही है। तो ये बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, और सीड को थोड़ा बचाना पड़ता है, जैसे हम नहीं देख पाए थे तो पूरा सीड गिर गया था, लेकिन ये अच्छा था कि कुछ जो है ना पॉट में गिरा था तो उसको अलग अलग करके लगा लिए। इसमें से भी हम हटा दिए थे क्योंकि हमको लगा ये बिंका का प्लांट, जब इसका कॉर्डेक्स पर नज़र पड़ा तो हमने नहीं, ये तो सीट गिरा हुआ, और भी एक दो और लगा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। देख सकते कलर।